मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं और सभी सम्मानित सदन, आप सभी को मेरा नमन। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि अमर कहानी रविदास जी की, जो एक सपना हमने काफी समय पहले देखा था, वो लगभग पूर्ण होने को है। 7 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। जैसा कि सभी बंधुओं के मन में ये सवाल होगा और कुछ पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा भी था, बनारस में जब हमारा प्रमोशन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रश्न किया मुझसे कि आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना, आपने संत रविदास सब्जेक्ट ही क्यों चुना, संत रविदास पे ही क्यों बनाई फिल्म, संत कबीर भी हैं और संत भी हैं। मैंने कहा संत तो संत होते हैं, संत किसी जात के मोहताज नहीं होते, लेकिन ये संत, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी एक ऐसे संत थे जो सामाजिक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक संत थे। वो एक ऐसे संत थे जिनके इतिहास में ये दर्ज है कि जिनके 52 राजे रानियां जिनके शिष्य हुए, 52 राजे रानियां, जिसमें मीराबाई, राजा पीपा, रानी झोलीबाई और सिकंदर लोधी। अभी आपने बीच में, आप सभी पत्रकार बंधुओं को शायद ज्ञात होगा, अभी बीच में तुगलकाबाद दिल्ली में जो प्रकरण हुआ रविदास मंदिर जी को और रविदास मंदिर को जो ढाया गया था, वो प्रकरण जो हुआ वो सिकंदर लोधी ने ही वो जगह उनको दी थी, 300 बीघा जमीन जो है वो दान में दी थी। तो 650 साल पहले जो ऐसे संत हुए जिनके 52 राजे रानियां जिनके शिष्य हुए, उनके बारे में लोग नहीं जानते आज। तो हमने ये विचार किया, ये प्रश्न, ये सोचा इस बारे में कि फिल्में तो बहुत बनती हैं, रोज किसी ना किसी टॉपिक पे आए दिन नए टॉपिक हैं, नए टॉपिक पे फिल्म बनती हैं, तो क्यों ना एक संत पर फिल्म बनाई जाए। हालांकि ये हमारे लिए राह आसान नहीं थी, इसमें मेरे मुझे सबसे जो बहुत अधिक सहयोग मिला वो स्वयं जो इसमें गुरु रविदास जी का जिन्होंने किरदार अदा किया है, श्री संदीप मोहन जी, उनका मुझे बहुत ही सहयोग रहा है। काश अगर वो मेरा सहयोग ना करते या वो इस रूप पे ना लेते, उन्होंने और मैंने, मतलब हमने इस फिल्म को एक निष्ठा के रूप में लिया कि उनके संत रविदास जी के प्रति अपनी निष्ठा रख के इस फिल्म को बनाया। और इस फिल्म को बनाते समय हमने संत रविदास जी के आदर्शों, उनके सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, जू के तू उनके आदर्श रखे, जू के तू उनकी शिक्षा रखी, ताकि आज के युवा वर्ग को, आज की युवा पीढ़ी को, आज के सामाजिक परिवेश में सभी को यह संदेश जा सके कि जन्म जात सब एक है, जन्म जात सब एक है, जन्म जात सब एक है, दूसर नहीं कोई, रविदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। तो जात पात जो है ना, वो आज की डेट में हम देखते हैं कि जात पात का जो ये सिलसिला जो चल रहा है ना, परमात्मा ने तो इंसान को जो है इस धरती पे जो भेजा वो इंसान के रूप में भेजा, लेकिन हमने ही अपने आप को जात पात में बांट लिया है, ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये छोटा, ये बड़ा। तो हमने इस फिल्म में यही संदेश देने की कोशिश की है कि सब बराबर है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं और सभी को बराबर जीने का अधिकार है। तो मैं तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर से मीडिया बंधु से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत सारी फिल्में आप प्रमोशन आप प्रमोट करते हैं, देखते हैं, आप छापते हैं, लिखते हैं, सबके बारे में वो करते हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं, चर्चा भी करते हैं। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके माध्यम से युवा वर्ग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, युवा वर्ग लोग खास तौर से, इस फिल्म को जरूर देखने जाएं।
अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। वास्तव में जब ये पूरी फिल्म आप देखेंगे तो इसका हर एक सीन एक सामाजिक संदेश देगा, जो कि हमारे जीवन पद्धति में, हमारे आने वाले जीवन में हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो कि हमारे को हमारे जीवन का नजरिया ही बदल देगी, जो कि हमारे सोच का नजरिया ही बदल देगी, जो कि हम इंसान इंसान में सोच ऊंच नीच का भेदभाव जो करते हैं उस नजरिए को ही बदल देगी, हमें ये बताने पर मजबूर कर देगी कि इंसान इंसान सब एक हैं, सब एक हैं, सिर्फ अपने अपने कर्मों का हिसाब है सबका, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब बटे हुए हैं, बाकी सब इंसान सब एक हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 7 फरवरी को आप सभी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को देखकर स्वयं तो आनंद उठाएं ही, इस फिल्म को देखकर स्वयं तो इस फिल्म में तो बहुत देखते हैं, स्वयं तो आनंद उठाएं ही, आध्यात्मिकता का भी उनको इस फिल्म से लाभ मिलेगा और सामाजिक समरसता का भी इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू। शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा देखिए इतना बढ़िया परिचय दिया आपने, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, साधुवाद पोपली सर का जिन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने का साहस किया। पहले मैं दुस्साहस समझता था इसको, लेकिन फिल्म बनकर तैयार हो गई है और आपके सामने है, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया मैसेज आएगा और इस तरह का किरदार करने का मौका जीवन में कभी एक बार भी मिल जाए तो परम सौभाग्य है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबके समक्ष ये फिल्म बनकर आई है। फिल्म के बारे में, रविदास जी के बारे में सारा परिचय सर ने दे दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करने की गुंजाइश नहीं है। रविदास जी का संदेश बड़ा ही सरल था, अगर 2 लाइन में व्यक्त करना चाहूँ तो ये है कि का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तव मिलिया दिलदार। तो इंसान का परिचय इंसान के तौर पर ही रहे, इंसानियत हमारा धर्म हो, इंसानियत हमारा मजहब हो, इसके बाद हमारा कोई परिचय हो, यही उनका मुख्य संदेश है। और हमारे समाज में आज इस संदेश को लोगों को गंभीरता से समझने का, जानने का मतलब मौका मिलना चाहिए, ये आपके थ्रू लोगों तक जाए। आप बड़ी फिल्मों को बहुत बड़ी बनाते हैं, मुंबई की फिल्मी मीडिया कहीं भी हमारे संदेश को पहुँचाती है, आप इस छोटी फिल्म को बड़ी बनाएँ। गाँव में अक्सर आप मुंबई से बाहर निकलेंगे, धोती पहने हुए लोग मिलते हैं, हमारी फिल्मों में ऐसे किरदार गायब हो चुके हैं, हमारी फिल्में जो हैं बड़ी शहरी बनती जा रही हैं। तो इस फिल्म में आपको गाँव की मिठास सुनाई देगी, दिखाई देगी, आपको ये किरदार बड़े जाने पहचाने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपके दादा परदादा जिस परिवेश में रहे, जिस तरह के संदेशों को उन्होंने सुना, जाना, बताया, वो इस फिल्म के ज़रिए जो है हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका मजबूत कंधा मिलेगा तो ये फिल्म और मजबूती से लोगों के सामने आएगी। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप इस मिशन में हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि फिल्म का मौका है और आज इस मौके पे हम फिल्म का संगीत लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं शाहिद मल्लिया साहब मौजूद और उन्हें ना बुलाऊँ तो ये गुस्ताखी होगी। शाहिद साहब, फिल्म की स्टार कास्ट, हेमंत भाई, गुलशन जी सर, प्लीज़ मैं पूरी स्टार कास्ट से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ स्टेज पे आएँ और म्यूजिक का अनवेलिंग करें। शाहिद भाई 2 शब्द भी बोलेंगे यकीनन, इन्होंने बहुत बढ़िया मधुर गाना गाया है। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो एक कॉफ़ी शॉप में हम मिले और मैंने इनको गाने के विषय के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि वो ज़माना ही चला गया सर, अब कोई गाने नहीं है। तो उसके बाद मैंने इनको थोड़ा ब्रीफ बताया और इन्होंने इतना मधुर गाना गाया है, आप सुनेंगे कि गंगा जी जिस भी फिल्म में आई है सर, आज तक भारत के फिल्मों का इतिहास है कि वो फिल्म लोगों ने बहुत पसंद की। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गाना और ये फिल्म दोनों बहुत पसंद किए जाएंगे। थोड़ा कैसा अनुभव रहा गाना गाने का, ये शाहिद भाई खुद आपको बताएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और कहते कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। ये ग्रंथ साहब का एक लाइनें हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। और संत रविदास शिरोमणि संत हैं, बचपन से इनके बारे में, तो इनके मंदिरों में अक्सर जाके सुनने और सुनाने का मौका मिलता था। तो
जिस तरीके से मैं देखता था इनको, उनके बारे में सुनता था, आज उनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो संदीप जी ने बनाई है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, और मुझे इसका एक हिस्सा बनाया छोटा सा, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और बहुत सारी फिल्मों में मैं गाता हूँ, हिंदी, पंजाबी और लैंग्वेज की फिल्में होती हैं, कमर्शियल फिल्में होती हैं, लेकिन ये जो फिल्म है मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं बचपन से इस संस्कार और संस्कृति के साथ बड़ा होते हुए आया हूँ, और मेरे प्रोफेशन के साथ भी रविदास जी जुड़ गए हैं, और मैं रविदास जी के साथ जुड़ गया हूँ, और हमारे मोहन जी, शक्ति मोहन कहूँगा मैं आपको, मैं संदीप मोहन भी अच्छा नाम है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को छोटा ना कहें, पहली बात तो, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिल्म छोटी बड़ी मेकिंग से होती है, आप उसको मतलब किस तरीके से बना रहे हो, चीप दिखा रहे हो या बेस्ट दिखा रहे हो, ये बेस्ट फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, इसको और बड़ा करना है, मतलब ये है। तो आप सबसे वही अनुरोध है मेरा मीडिया से कि आप प्लीज़ अपना पूरा 100% इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कल्चर है और ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई देन है जो संदीप जी आगे आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे। शुक्रिया। शायद भाई अगर गुनगुना दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, अगर आपने, अगर याद हो आपको, आपने जो गाया रविदास इस कहानी का हिस्सा है, आप तो अगर अगर गुनगुना सकें तो। मैं चाहता हूँ इतना ये वायरल हो जाए गाना कि सबको याद हो जाए, मेरे साथ आप सब गाने लगे। तो मैंने पढ़ के गाया, लेकिन वही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे, मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे। थैंक यू। नसीम भाई, अब फिल्म के बाकी सहयोगी कलाकारों के बारे में भी बताना चाहेंगे। जी यकीन, हमारे साथ बड़े ही मुख्य भूमिका में है हेमंत पांडे जी, इन्होंने फिल्म जो है बड़े ही मेरी मोहब्बत में की है, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और इन्होंने बहुत ही दमदार भूमिका फिल्म में निभाई है। पहले चंद शब्द इन्हीं के मुख से आप इनकी भूमिका के बारे में सुनेंगे। हेमंत पांडे जी, आप सबको नमस्कार। इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों से एक बार फिर मिलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं पोपली साहब को और संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से एक बार आप लोगों से फिर मिलने का मौका मिला। पिक्चरें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हर पिक्चर से जुड़ने का एक मन होता है, महत्व होता है, कारण होता है, कारक होता है। तो ये फिल्म, चूँकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मुझे उत्तराखंड जाने का एक सबसे बड़ा अवसर मिला भागने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं पहाड़ में उत्तराखंड में शूटिंग कर पा रहा हूँ। हरिद्वार में इसकी शूटिंग हुई, देहरादून नदी किनारे, जो एक कलाकार को और चाहिए क्या कि शूटिंग भी चल रही है, शॉट ख़त्म हुआ, नदी किनारे बैठे हैं, जब गर्मी लगी डुबकी लगा ली। तो वो अवसर, वो प्रकृति के साथ रहने का मौका आपने मुझे दिया, और जिस श्रद्धा के साथ आपने देखा होगा, जो बोलते हैं लोग बाग अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं, तो आपने जब पोपली साहब को सुना तो उससे आपको समझ में आ गया हो कि कितनी श्रद्धा, कितने विश्वास और कितने दृढ़ निश्चय के साथ वो इस फिल्म का हिस्सा हैं, और उस लगाव से इन्होंने इस फिल्म को बनाया है। उनके मुँह से जो आपने सुना उससे आपको समझ में आ गया होगा, और जो रोल है, जो कला, जो रविदास जी वाला रोल है, वो मुझे कलाकार के तौर पे, क्योंकि हमने पहले कभी काम किया नहीं था संदीप के साथ, तो इन्होंने इतने समर्पण के, जैसे व्रत होता ना, व्रत के दिन एक्टिंग कैसी करते समझ जाओ, उस श्रद्धा के साथ, वो दाढ़ी लगाते तो दिन भर खाना भी नहीं खा रहे हैं, और वो एक समर्पण जो कलाकार का होता है किसी कलाकार या किसी चरित्र को निभाने के प्रति, वो चीज़ मुझे देखने को मिली, और उसका परिणाम भी पर्दे पर बहुत अच्छा आया है, तो वो मुझे एक खुशी की बात थी। और साथ में हमारे गुलशन भाई थे, तो और मज़ा आ जाता है कि जब कलाकार साथ, दो साथ में हो, और उसके अलावा दोनों दोस्त हों, तो फिर वो मन चंगा तो फिर कटौती मंगवा हो जाता है। बाकी आप सिनेमा का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। चंद शब्द जो है गुलशन पांडे जी को दे रहा हूँ मैं माइक। इन्होंने फिल्म में बड़ा दुख दिया है रविदास में, हेमंत पांडे जी और गुलशन पांडे जी दोनों ने। नाम इनका ज्ञानी था, लेकिन इनका काम था रविदास जी को परेशान करना, काम बहुत अच्छा किया इन्होंने।
मैं चंद शब्द गुलशन जी को आमंत्रण देता हूँ फिल्म के बारे में कहने। सभी को नमस्कार। इतने सारे शब्द पोपली सर ने बोले फिल्म के बारे में, आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। फिर संदीप सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया सब कुछ, हेमंत भाई ने बता दिया, मेरे पास बचा तो कुछ नहीं है बताने के लिए। जैसे कि कहा कि मेरा एक नेगेटिव किरदार, मैं हेमंत सर का राइट हैंड हूँ उसमें, तो सारे ज्ञानी नाम है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा अज्ञानी था जो भी रहा होगा। वो भूमिका मुझे मिली, करने का अवसर मिला बहुत। जैसे कि हेमंत भाई ने बताया कि संदीप सर का जो डेडिकेशन हमने देखा सेट पर, हैट्स ऑफ है सर, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए सर। और मैं अपने दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म सचमुच में हर इंसान को देखे, हर इंसान इसको, ये मेरी तो दुआ है। बाकी आप लोग भी कोशिश करिए, 7 फरवरी को आ जाएगी हम सबके बीच में। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत मेहनत से बनी हुई है और पूरी रिसर्च करके रविदास जी पे बनाई गई है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट बनाना आज के कमर्शियल युग में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पोपली सर के लिए भी तालियां बजाइए सर, ईश्वर कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आपका परिचय आप कराएंगे मृणाल सारस्वत से, इन्होंने फिल्म में मीरा को रोल किया है। मीरा का किरदार किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको निभाया है। फिल्म में रविदास की शिष्या भी हैं। मृणाल चंद शब्द। आदर आदाब अभिनंदन आभार आप सभी का। मीरा का किरदार करना मेरा हमेशा से एक सपना रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इट विल कम टू मी दिस वे। थैंक्स टू संदीप जी, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, इनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, और इन्होंने मुझे ये किरदार के लिए रेकमेंड किया। मुझे आशा ही पूरा विश्वास है कि ये फिल्म समाज के उत्थान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि मैं जब आप सभी को देख रही हूँ तो मैं सिर्फ एक आत्मा की तरह देख रही हूँ। आई डोंट थिंक कि हम किसी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से संबंधित हैं, सबसे पहले इंसान है, ये हम सभी समझें इस बात को। और पोपली जी का ये इनिशिएटिव इस दिशा में एक बड़ा सराहनीय कदम है, एंड मैं नियति के हर कण कण को और उन सारे लोगों को, इस कास्ट, इस प्रोजेक्ट के सारे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उसमें उनकी भूमिका के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मृणाल। हमारे बीच एक फीमेल गैंगस्टर भी है, मिन्नत फातिमा। ये अपने शंभुराज मुखिया जी जो हेमंत पांडे बने हैं, ज्ञानी जो गुलशन पांडे बने हैं, परमानंद पोपली साहब गेंदालाल बने हैं, इनकी गैंग की ही मेंबर हैं और ये भी कोई कसर नहीं छोड़ती रविदास जी को परेशान करने में। तो मैं चाहता हूँ ये भी चंद शब्द कहें, आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और जैसा कि संदीप सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इनके ग्रुप में हूँ और मेरा जो कैरेक्टर है वो है रूपा का। कहना चाहूँगी कि मैं रियल ज़िंदगी में बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, लेकिन इनकी वजह से मुझे वो कैरेक्टर करने का मौका मिला। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन थोड़ा तकलीफ भी हुआ आपको परेशान करने में। सो इट्स ऑल अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है। बट मैं कहना चाहूँगी सभी को कि इस मूवी को बहुत लोगों तक पहुँचाएँ और जितने भी ऑडियंस हैं और जो भी लोग हैं इनको अच्छे मैसेज लेकर जाएं, अपने घर अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि कमर्शियल मार्केट में ऐसी मूवीज़ अगर आती हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद इस मूवी का क्या होगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि जब आप सोचेंगे तभी सब कुछ बदलेगा। सो दिस सब्जेक्ट इज़ रियली रियली हार्ट टचिंग सब्जेक्ट, क्योंकि संत के बारे में कोई नहीं कहता है, सब उनकी बातें कहते हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन उनकी दी हुई चीज़ों को कभी अपनाते नहीं हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस मूवी को जितना हो सके उतना बड़ा बनाएं और ऑडियंस तक पहुंचाएं। एंड थैंक यू सो मच पोपली सर कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। संदीप सर आपको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी और सबसे बड़ी शुक्रिया इस बात की कहना चाहूँगी कि मैं इस मूवी की हिस्सा हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर। थैंक यू मिन्नत। ओवर टू यू नसीम भाई। म्यूजिक लॉन्च करेंगे, म्यूजिक लॉन्च करने जा रहे हैं आप शाहिद भाई के हाथों।
म्यूजिक लॉन्च हुआ है, रवि जी की आत्मा कथा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिल्में तो हम कई तरह की करते हैं, कमर्शियल मसाला फिल्में ज़्यादा करते हैं, अर्थपूर्ण फिल्में कम करने का मौका मिलता है। और आज संत रविदास जी के ऊपर जो फिल्म बनी है उसमें एक नेगेटिव रोल, विलन का रोल करने का मुझे मौका मिला है, तो कलाकार के तौर पर ये खुशी है कि एक अलग तरह का शेड मुझे करने का मौका मिला और इस तरह के विषय के साथ जुड़ने का मौका मिला। कलाकार होने के नाते क्या है कि उस ये पीरियड है, थोड़ा पीरियड वाला ड्रामा है, तो उसमें उस जगह पे जाने में या उस समय पे जाने में या उस यात्रा में जो कलाकार को आनंद मिलता है वो भी इस फिल्म के किरदार को निभाने में मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मेन जो रविदास का जो संदीप ने रोल किया वो सबसे अच्छी बात है, कलाकार के तौर पर जिस श्रद्धा के साथ, जिस समर्पण के साथ या जिस बिलीव के साथ उन्होंने वो रोल किया वो मुझे ज़्यादा पसंद आया कि कलाकार दूसरे कलाकार से प्रभावित होने का अवसर दरअसल कम मिलता है। इस पिक्चर में मुझे ऐसा भी लगा कि आप किसी की कला से या उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। ओके, पहले टाइम होगा कि आप बियर्डिंग फिल्म कर रहे हैं और एक बहुत ही अलग कैरेक्टर में, एक नेगेटिव शेड में दिख रहे हैं, तो जी, कैसा जी, एक्सपीरियंस रहा? खुशी मतलब क्या होता है कि जो आप जैसे आप रोज़ खिचड़ी खाते हो तो उसको क्या आनंद आएगा, अब बीमार आदमी है खिचड़ी खाएगा तो ठीक भी हो जाएगा, तो वैसा ही हमारे साथ भी एक तरह के रोल मिलते हैं तो मोनोटोनी आ जाती है, उदासीनता भी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा रोल अलग होता है तो उसको निभाने में, उसको करने में, उसको परफॉर्म करने में मज़ा आता है, घर से निकलने में खुशी होती है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो इस पिक्चर के साथ वही एसोसिएशन था। दूसरी बात, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मुझे वो जगह बहुत पसंद है, वहाँ जो भी शूटिंग होती है मैं और ज़्यादा खुशी से वहाँ काम करने चला जाता हूँ, तो मेरे लिए वो गंगा किनारे शूटिंग करना भी अपने आप में एक बेहतरीन खुशहाल अनुभव था। नहीं, दरअसल ये मौका मुझे पहली बार ऐसा मिला है, ऐसी बात नहीं कि कोई दूसरा आएगा तो वो भी करेंगे, डेफिनेट कलाकार के लिए तो यात्रा है, वो जब तक जीवित है और कलाकार है और कर पा रहा है, सामर्थ्यवान है शारीरिक मानसिक रूप से, तो मैं चाहूँगा कि ईश्वर मुझे ऐसे मौके दे बार बार कि कॉमेडी तो हम करते ही हैं लेकिन इस तरह के रोल करने में खुद अपनी भी संतुष्टि होती है, अपनी भी तरक्की होती है, ये अवसर है। देखो अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपनी अपना स्वभाव होता है, मैं कलाकार के तौर पे या कलाकार के जीवन के तौर पे जितना एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिल सकता है, नए नए लोग, नए नए फिल्म मेकर, नए गीतकार, नए संगीतकार, सब कुछ नया, क्योंकि हर 10-15-20 साल में टोटल ज़माना और तकनीक बदलती है और बदल रही है और हम सब आप लोग भी देख रहे हैं। ये बात मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आज से 15 साल पहले किसी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो आप में से शायद कोई नहीं होता था, एक आध लोग हैं वो एक आध दिख रहे हैं, बाकी क्योंकि सब कुछ बदल चुका है, टेक्निक बदल चुकी है, तो नए कलाकार, नए टैलेंट, नया यूथ के साथ हम काम करेंगे तो और अच्छा काम कर पाएंगे। हर जनरेशन 10-20 साल पहले के लोग क्या है, पिछले नए लोगों को या तो कमज़ोर समझते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जो ऐसा नहीं है कि आप नई जनरेशन है वो नया क्रिएट कर रहे हैं, नए गाने ला रहे हैं, नया संगीत ला रहे हैं, नया तरह से डायरेक्शन कर रहे हैं, तो हम अगर उनमें खप सकते हैं तो हमें उस सर्किल में एंटर करना चाहिए और हमें ये मौका मिला है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए नए लोगों के साथ काम करके। थैंक यू। ट्रेलर के साथ सॉन्ग लॉन्च भी है, सो क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, फाइनली आउट हो चुकी है? बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बहुत अच्छे कलर्स हैं फिल्म के, और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट संत रविदास जी जो संतों के शिरोमणि हैं, और बहुत ही एक पाक प्रोजेक्ट है जिसमें हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। यस, एक्चुअली बहुत सारी फिल्में बनती थी इस पुराने ज़माने में, बहुत जब सिनेमा नया नया शुरू हुआ था तो राजा हरिश्चंद्र, संत ये संत वो, बहुत सारी फिल्में हमने बचपन में देखी, लेकिन उसके बाद शायद वो लोग ज़्यादा कमर्शियल हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए और वो सब्जेक्ट को लोगों ने दूर कर दिया, पैसा ज़्यादा कमाने में लग गए, तो पैसा भी कमाना है, लेकिन ये जो भारत की संस्कृति है, ये जो भारत के संत हैं, हिंदुस्तान में जो संस्कार है, कल्चर है, उसको दुनिया को आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हमें ऐसे सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए जो कि
संदीप मोहन जी ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है और एक अच्छी फिल्म को अंजाम दिया है। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है, महासागर है संगीत, जिसके अंदर आप जितना डुबकी लगाओगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जो रिमेक्स हैं, रिमिक्सेस हैं, वो उन सब चीज़ों का होना चाहिए जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उनको रीमेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कोई मान लो टेक्निकल ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जहाँ पर किसी चीज़ का जनरेशन लॉस हो रहा है। मान लो 100 साल पहले किसी चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया, आज उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो रही है कि हमें उसको री रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तभी उसका रिक्रिएशन होना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से नहीं। बिकॉज मान लो 10 साल पुराना कोई गाना रिक्रिएट होकर वापस आता है और उसका जो ओरिजिनल हकदार है वो घर पर बैठ के टी वी पर देख रहा है अपने गाने को, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो मैंने गाया था गाना, तो मैंने लिखा था, ये तो मैंने कंपोज किया था, और इसमें तो मैंने एक्टिंग की थी। तो जो भी उस गाने से जुड़े हुए लोग हैं वो अगर ज़िंदा हैं उनके रहते तो मेरे हिसाब से रिक्रिएट होना नहीं चाहिए। ओके सर, इसके अलावा भी आपकी जो अभी रिसेंट सॉन्ग आई थी पंगा में बहुत ही अप्रिशिएट किया गया, बहुत पसंद किया जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हो, क्या कहना चाहिए? मैं भी पंगा का हिस्सा हूं और शंकर सालोय साहब मेरे बहुत ही फेवरेट कंपोज़र से हैं, और उनके लिए मैंने 2 स्टेट्स में फर्स्ट गाया था गाना, इसकी उसकी, और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया उनके लिए गाने का। खुद इतने महान सिंगर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, बहुत अच्छे फिल्मों में म्यूज़िक किया है, तो उनके लिए गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कंगना जी की फिल्म में मतलब पहली बार मैं गा रहा हूँ, फीलिंग गुड। थैंक यू। फिल्म तो जैसा कि हमको पता ही है कि एक संत के जीवन पे है और उनकी सीख जो उनने समाज के लिए दी थी उसको हमने फिल्म के माध्यम में से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस कमर्शियल दौर में ऐसी फिल्म बनाना बहुत बड़ा साहस का काम है। पोपली जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये फिल्म एटलीस्ट उतना तो रिकवर कर ले जितना उन्होंने खर्च किया है। और बाकी मेरे रोल की बात रही तो मैं इसमें ज्ञानी का रोल कर रहा हूँ। ज्ञानी मेरे कैरेक्टर का नाम है, लेकिन वो ज्ञानी जो है वो रविदास जी के एंटी जो मुखिया जी हैं उनका राइट हैंड है, और वो मुखिया जी को आइडियाज़ देता रहता है कि हम कैसे इस संत की जो महिमा इतनी हो रही है उसको गिराएं, धूमिल करें, तो उसके लिए बहुत उल्टे सीधे काम करता है। इसके लिए प्रिपेयर तो कुछ खास करना पड़ा नहीं, क्योंकि शैतान भी तो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं होता ही है। तो ऑडियंस को कितनी एंटरटेनिंग लगेगी, क्योंकि मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, अच्छा इस फिल्म में ऐसा है कि ये नहीं कि आप जैसे हम माइथोलॉजिकल फिल्म्स देखते हैं कि उसमें सिर्फ भगवान और वो, इसमें बिल्कुल हमारी सोसाइटी है, लेकिन वो थोड़ा पुराना ज़माना है, गाँव का परिवेश है, तो वो 650 साल पहले का भारत है, तो मगर वो सब कुछ है इसमें। हमारे पास इस पिक्चर में आइटम सॉन्ग भी है, इसमें नेगेटिव क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, और उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए रविदास जी भी हैं, तो सब कुछ है, एक छोटा सा मसाला भी है इसमें, थोड़ी कॉमेडी भी है। ओके सर, इसके अलावा जो आपकी और एक मूवी आ रही है गुंजन सक्सेना है, वो जानवी की है, पोस्टर आउट हो चुकी है, बहुत ही बज में है, क्या कहना चाहिए, क्योंकि बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी जी, क्योंकि मैं उस फिल्म का भी हिस्सा हूँ, करण जौहर प्रोडक्शन की वो फिल्म है, शरण जी डायरेक्टर हैं हमारे नए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और वो कहानी है गुंजन सक्सेना की जो पायलट थी हमारे कारगिल वॉर में, क्योंकि उस वॉर में हमारी आर्मी का उतना अहम रोल नहीं था जितना एयरफोर्स का था, तो उसमें मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, इतना बड़ा रोल तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा अहम किरदार है। मेरे को तो बड़ा आनंद आया, और इस तरह का क्योंकि जज्बा तो है ही अंदर, शक्ल ही अपनी तो ऐसी हो गई है पुलिस या मिलिट्री जैसी, और वैसे ही रोल भी मिलते हैं, और वो जज्बा अंदर है भी, बस देश हमारा बहुत तरक्की करे मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल। ओके सर, एज अ प्रोड्यूसर कितना बड़ा चैलेंज था इस तरह के किरदार को बड़े पर्दे पर उतारना, और क्या क्या चैलेंजेस आए इस बारे में बताइए। एज ए प्रोड्यूसर एक मेरे लिए एक बहुत ही, मैं इसे कहूँगा इंटरेस्टिंग चैलेंज था, क्योंकि जब मैंने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा और हमारी टीम ने रिसर्च भी किया और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आज के अनुयायी जो हैं वो पूरी दुनिया में
हमारा देश विभिन्न सांस्कृतिक का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, हर एक प्रांतों का देश है, और गुरु रविदास जी के अनुयायी जो है वो हर एक प्रांत पे रहते हैं। तो मेरी चिंता तो आज सिर्फ इस बात की है कि गुरु रविदास जी के माध्यम से मैंने जो ये संदेश इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश की है कि आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें जो जात पात की जो है बहुत ज़्यादा जो आज भी भावना मानी जाती है, उसको हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि इंसान जो है ना वो सब एक है, कोई जात पात कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मानव के इंसान के खुद के बनाए हुए हैं, परमात्मा ने तो सबको इंसान ही बना के भेजा। तो एक चिंता मुझे एक और सताती है इस बात की, जब मैं बात करता हूँ इस बारे में तो कुछ जगह के जो है अनुयायी मुझे इस बात के लिए कई बार मुझे कहा उन्होंने कि आप गुरु रविदास जी को जो है आप क्यों दिखा रहे हैं, स्वरूप में क्यों दिखा रहे हैं। तो मेरा उन सभी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरु रविदास जी तो सबके हैं ना, गुरु रविदास जी किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, किसी एक उसके नहीं हैं, वो पूरे सर्व समाज के हैं। उन्होंने जो संदेश दिया, भाईचारे का जो संदेश दिया, इंसानियत का जो संदेश दिया, वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए उनका संदेश, और मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई। तो मेरी तो उन सभी लोगों से भी हाथ जोड़ के ये विनती है जो आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं कि हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे क्योंकि आपने गुरु रविदास जी को स्वरूप में दिखाया। तो स्वरूप में दिखाना कोई, जब तक हम गुरु रविदास जी को दिखाएंगे ही नहीं तो उनकी शिक्षा को लोगों को पता कैसे लगेगा कि गुरु रविदास जी कौन थे। एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही हार्ट टचिंग प्रोजेक्ट है, और इतनी बड़े संत के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, संत के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। और आज के जनरेशन में जितनी भी मूवीज बनती है वो सारी कमर्शियल्स मूवीज होती हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जो आज की जनरेशन में हो रही है और पहले भी होती आई है, ऊंच नीच, जात पात, बड़ा छोटा, इन सब चीज़ों को देखकर संत रविदास ने एक स्टेप लिया था और वो चीज़ की ज़रूरत आज है हमारे हिंदुस्तान में। और ये मूवी बिल्कुल राइट टाइम पर रिलीज़ हो रही है, क्योंकि अगर ये मूवी इस ऑडियंस के पास जाती है, जो इशू चल रहे हमारे इंडिया में, दिल्ली में, हर जगह पर, उससे ये बहुत हद तक रिलेट होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बंदे को देखना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, हर एक लेवल पे आप फेस किए होंगे ये चीज़, कोई कास्ट को लेकर, कोई जात को लेकर, और कोई कभी कभी हम लोग धर्म को लेकर भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है और बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है 7 फरवरी को, तो सभी जाएँ और अपनी फैमिली के साथ देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, जो आप कमर्शियल मूवीज़ नहीं देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली को नहीं ले जा सकते, बट यहाँ पर आप सब जाके देखें और इन्जॉय करें और कुछ ले कर जाएँ अपने घर, एक अच्छा मैसेज। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था सर, अभी भी जो है हम उस चैलेंज से उभर नहीं पाए हैं। होता क्या है एक्टिंग में कि आप जब एक्ट करते हैं तो सामने वाले की बात पर रिएक्ट करते हैं, आपको डायलॉग रजिस्टर करना है, एंगर रजिस्टर करना है, तभी वो बात ऑडियंस तक पहुंच पाती है। अब यहाँ ये ऐसे सहज और सरल कैरेक्टर को जब आप निभाते हैं तो आप वो रिएक्शन वैसे नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल कैरेक्टर्स में करते हैं, मगर फिर भी उसको जीना है और उस इमोशन को ठीक से पोर्ट्रे करना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य था कि आप नॉर्मल पैरामीटर्स में एक्ट नहीं कर रहे लेकिन उस मैसेज को बड़े स्ट्रांगली ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग दैट आई आल्सो एंजॉयड, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर। राइट, ऐसी कोई चीज़ है जो रविदास जी के जीवन से आप अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए? हर चीज़ सर, हर चीज़। जो व्यक्ति बड़ा सरल होता है, बहुत सहज होता है, कई बार क्या होता है कि लोग उसको उस तरह से नहीं आंकते जिसका वो हकदार होता है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े एक्टर्स पब्लिसिटी और बहुत चीज़ों के दम पे आगे निकल जाते हैं, कई सारे लोग जो ये कार्य नहीं कर पाते वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रविदास जी इतने सहज और सरल थे, उनका मैसेज भी इतना सरल था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो, और इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हृदय की पवित्रता मेंटेन रखना, इंसान को इंसान के रूप में देखना, कोई भेदभाव पर यकीन नहीं करना,
और संवैधानिक और कानूनी तरीके से हम जिन चीज़ों को निपटाना चाहते हैं उसको बड़ी आसानी से आध्यात्मिकता के ज़रिए आप निपटा सकते हैं अगर आपको उन रूहानी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो यही रविदास जी का संदेश है, यही रविदास जी ने जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया 650 साल पहले, और इसी संदेश को हम आगे ले जाने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। जी लोगों को बहुत कम इसके बारे में मालूम है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें जी, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट फिल्म मेकर जो होते हैं एक्टर्स होते हैं दो बार सोचते हैं जी, किस तरह से ये चीज़ें आप किस तरह से उसके साथ जुड़े सर? मैं मेरी सबसे पहले ये कहना है कि हिंदुस्तान मुंबई दिल्ली बेंगलोर कलकत्ता तक सीमित नहीं है। आप मुंबई से थोड़ा बाहर निकले आप देखेंगे लोग धोती कुर्ता आज भी पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और उनके इश्यूज बहुत मुख्तलिफ हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से। मगर ये जो बड़ा तबका है ये हमारी फिल्मों से बिल्कुल गायब होता जा रहा है। मुझे करण जौहर साहब की फिल्म से कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह के किरदार उस फिल्म में दिखाए जा रहे हैं लगातार और वो बड़े प्रमोट होकर आ रहे हैं, वैसी हिंदुस्तानी ऐसा है नहीं। मदर इंडिया जैसी भी फिल्में पहली बनती थी और आज भी जब धोती कुर्ता पहन के लोग आते हैं तानाजी में आपने देखा लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का वो बड़ा तबका हिंदुस्तान का वो हिस्सा हमारे फिल्मों में दिखाया जाना चाहिए, हमारे जो साहित्य है उसका ठीक से हमारे फिल्म में जो है प्रदर्शन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए फिल्म, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। फिल्म का पहला जो है काम है वो मनोरंजन करना है, पर इसके साथ ही लोगों को अच्छा मैसेज जाए, दमदार भारतीयता का परिचय मिले और लोगों को वर्षों तक फिल्म याद रहे। आज आप फिल्म देखते हैं दो दिन बाद भूल जाते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मगर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लंबे समय तक आप उसको याद रखेंगे। थैंक यू। जैसे आपने आपको कैरेक्टर से किया आप कंपैरिजन कैसे देखते हैं जो कई लोग साई बाबा का भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, मतलब आप रिलीजियस कैरेक्टर प्ले करते हैं जी? साई बाबा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनको पोर्ट्रे किया है, पर रविदास जी की सबसे बड़ी बात थी कि वो बड़े सहज बड़े सरल थे, अपना काम खुद करते थे, संत होते हुए भी वो अपने चमड़े का काम करते थे, अपना काम कभी नहीं छोड़ा, रोजगार कभी नहीं छोड़ा, साथ ही आध्यात्मिकता की लौ कभी बुझने नहीं दी। तो बाकी सारे संतों से इस माने में बड़े अलग थे और उनका पोर्ट्रेयल भी उसी तरह से करने का प्रयास किया गया है, कहीं भी उसमें आपको आर्टिफिशियलिटी किसी प्रकार की कृत्रिमता नज़र नहीं आएगी। एक बड़े सहज इंसान थे जिसको पता चल गया था कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हमारे में जो समाज में संघर्ष चलता है आज भी आप गाहे बगाहे यदा कदा हर जगह देखते हैं समाचार पत्रों में आज भी इन चीज़ों की चर्चा होती है कि फलाने गाँव में फलाने शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस चीज़ का बहुत ही सहज सॉल्यूशन उनके पास था कि आप अपने आप को एक रूहानी किरदार के रूप में पहचान लो, तो उसका पोर्ट्रेल करना भी हमें उसी तरीके से था, बड़ी सहजता बड़ी सरलता से किया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आनंद आएगा। क्या क्या ये क्या एक ऑडिटिंग नोट पे बात हुई दिल्ली से आपकी कंपैरिजन में, तो ये आप किस तरह से देखते हैं सम्मान सर? सुधीर दलवी जी के साथ मैंने काम किया है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, और जिस फिल्म में उन्होंने काम किया वो मनोज कुमार जी की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत कामयाब भी हुई, और वो अपने ज़माने में उन्होंने एक कैरेक्टराइजेशन किया जो उस वक्त बड़ा अच्छा लगा। इस फिल्म का कैरेक्टराइजेशन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई भी समानता नहीं है। आई एम हैप्पी टू बी ऑनर्ड टू बी कंपेयर्ड टू हिम, मगर फिल्म के पोर्ट्रेयल में कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल में कोई समानता नहीं है। आपको ये बड़ा ओरिजिनल दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कहीं भी उस तरह का स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेयल नहीं है। प्लेजर।